सारा जगह सोफा है ना, ये सामान था। अच्छा लग रहा है अपना कपड़ा धोके। मेरे ससुराल से जो बोरा में सोना आया था। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is. Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज दिन की शुरुआत सीधे शॉप से। शॉप हम लोग आ गए और अभी देखते हैं अभी का क्या सीन है। बाकी घर में मैं कपड़े भिगा के आया हूँ, कपड़े भी धोना है, तो आज घर थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे। क्या करें, करना पड़ता है। ये खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या, क्योंकि मेरे को ही बनाना है। जब सुबह इतनी अच्छी शुरुआत हो ही गई है तो एक बार आप लोगों से पूछ भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना फुल ऑन पावर में। और आपकी शुरुआत आज बहुत अच्छी है। इनका सामान आ रहा है आज भी। तो अभी शॉप में काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, अभी का टाइम हो गया 1:00 और जगदलपुर से कुछ सामान डाले हैं घर से, तो वो सामान को लेके जाना है। उसके बाद मैं सीधा यहाँ से चल जाऊँगा घर। क्या बोलूँ अब मैं, ये देखो ये बहुत खुश हो रही है आज। कपड़ा धोऊंगा ना मजाक, तो दो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। हाँ ये चलते रहता है और अभी बस जाता हूँ सामान लेके आता हूँ, उसके बाद मैं भी यहाँ से चल जाऊँगा और उसके बाद घर जाके क्या करेंगे वो घर में ही दिखाएंगे। कच्चा बनियान तो खुद ही धोते थे, अब कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, क्या करें। मशीन में धोना के बात अलग रहता है, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे तो मैंने बोला कि अब मैं धो ही लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है इतना एक दिन इकट्ठा करके। इसलिए हम ऑलवेज रेडी हर काम को करने में, कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आलस जरूर आता है, और आलस आता है तो जानते कुछ करने के नहीं पाता है। ठीक है चलो, और देखो वहाँ जाकर बैठ गए, कोई काम तो है नहीं, बस दुकान बैठे बैठे ज्ञान को बांटते रहते हैं। बैठ बैठ के हम काले हो जाएं, घूम घूम के है ना, दुनिया अंदर में आराम से बैठे रहो है ना। आराम से नहीं बैठ, महाराजा का सोफा है ना। हाँ पूरा जाला लगा है, जो भी लगा है बैठने को मिल रहा है, क्या करना है। ये तो मुंह साफ कर दो इससे, मुंह साफ कर, आपके दिमाग में वैसे भी जाला, मुंह साफ कर देता हूँ। और बस नहीं आ रहा है, जा रहा हूँ मैं, बाय। यहाँ सामने खड़े हो गए, आज मेरे को करना पड़ रहा है बस का वेट, बस आए तो जल्दी सामान वामान लेके छोड़ूँ। ये मैं सोचा बस ही आ गया, पिकअप है, 1:20 का टाइमिंग है बस का, वेट कर रहा हूँ। फाइनली एक बस तो आया है, बट वो बस है कि नहीं है वो तो मेरे को भी नहीं पता, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, ये तो है नहीं। बाप रे, घर वालों ने सामान तो डाल दिया लेकिन बस का टाइमिंग नहीं बताया। बस का टाइमिंग 1:20 मैंने पता किया तो 1:20 तो हो गए हैं, बस कब आएगी, इतना वेट करना पड़ रहा है यार। हाँ ठीक है, घर ले जाएंगे बाद में भैया। घर ससुराल ऐसा बोल रहे हैं, सोना भेजें जब बोरा भर के। अरे दर्द मचा दिए। हाँ चलो, ये सामान था इसी के लिए हम लोग रुके थे इतना देर, दिमाग खा तो। चलो गाइस अभी घर चलते हैं, सामान हमारा छोड़ना था छोड़ दिए, और इसके बाद कुछ बचा नहीं है करने को, तो अभी घर जाके कपड़े धो लेते हैं। बहुत दिन हो गए यार, इतने सारे कपड़े निकाल दिया उन्होंने, मैं भी आज ही निकालना था मेरे को भी लगा, लेकिन कोई नहीं धो लेते हैं। Dublin, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. इन लोग का लाइफ बढ़िया है भैया। अच्छा ऐसा ही क्या। चलो एक कुछ कुछ काम बता गया था मैं इसको, आज घर में कोफ्ता वफ्ता बनाएंगे, लौकियों की किस देना, तो बाकी दिखाता हूँ मैं आपको कितने सारे कपड़े हैं। ये देखो एक बाल्टी भर के कपड़े हैं, ये कपड़े को धोना है, सच्ची बता रहा हूँ यार। चलो धो लेते हैं। कैसा लग रहा है अपना कपड़ा धोके। बहुत बेकार लग रहा है मेरे को, और सच्ची बता रहा हूँ आज कपड़ा धोना पड़ गया मेरे को। और कपड़ा ऐसे कौन धोता है, देख रहे हो जीन्स शर्ट पहन के एकदम टिप टॉप होके। मेरा भी कपड़ा धो दोगे क्या। नहीं सॉरी सकती हूँ। अरे दो जोड़िए धो दो। नहीं रहने दे भैया, यहाँ खुद का धोने में हालत खराब हो गया है, बहुत सारा कपड़ा है यार सच्ची। मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि मेरे को धोना पड़ेगा, मैं भी अपने तो धोना ही पड़ेगा ना, तो मैं पहले से एक एक दो दो जोड़ी नैंसी बोल बोल के धुलवा दूंगा। नहीं नहीं मतलब क्या, या खुद का कपड़ा नहीं धो पाती हूँ अच्छे से। आप लोग घर में अगर ऐसा होता है मेरे को बताना, एक्चुअल में क्या नैना का हाथ में लगा है जिसकी वजह से मेरे को धोना पड़ रहा है। और बाइक को इसलिए नहीं धुलवा रहे हैं क्योंकि वो केवल सरफ में डुबाती और निकाल देती है, तो भैया रगड़ना भी पड़ता है कपड़े, क्योंकि इतने पहनते हैं गंदे हो जाते हैं, तो आज हम खुद कपड़े रगड़ के धो रहे हैं।
मजे ले रहे हैं कपड़े धोने की, मजा तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी ले रहे हैं, क्या करेंगे अपना काम में कैसा असर होगा। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो एक बार बताइएगा। वैसे हमने बैचलर लाइफ में खूब कपड़े धोने लेकिन ठीक है चलो धोते हैं और उसके बाद मिलते हैं। चलिए गाइस आधे ज़्यादा कपड़े धुल गए और अभी मतलब पूरा धोने में लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा, आधे घंटे पूरे साफ हो गए। बाकी इधर बच्चे हैं इसको भी सुखा लेते हैं, इधर भी आधे कुछ कुछ सुखा दिए। तो फिलहाल गाइस अभी का टाइम हो चुका है, अभी का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो अपन अभी यहाँ से चलते हैं सीधा स्कूल, स्कूल के बाद मिलते हैं। बाहर का मौसम जो हो गया एकदम बदली भरा हो गया है, जो भी होता है बताते हैं। चलो मौसम कुछ ऐसा हो गया लगता है पानी आने गिरेगा। तो अभी फिलहाल गाइस स्कूल से तो निकल चुके हैं और आज बहुत काम हो गया पता है। और ये आम के पेड़ में आम क्यों नहीं लटक रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आधा ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। चलो अभी चलते हैं, अभिषेक से मिलना होगा तो मिलते जाएंगे, नहीं तो जैसा भी होगा। गाइस चलो अभी झाड़ी सर के साथ में जा रहे हैं, चाय वाय पीते पीते जाएंगे, सर भी आ रहे हैं पीछे। गाइस फिलहाल हम पहुंच गए शॉप और चूहे ने पूरे कपड़े की वाट लगा दिए, तो कपड़े की वाट लगे। और मेरे ससुराल से जो बोरा में सोना आया था वो तो दे दो। सोना आया ना, तेल महंगा हो गया जाओ। तो क्या हो गया, कम डाला करो यार। क्या हो गया, महंगा तो पूरा देश में सब महंगा ही तो हो रहा है, सस्ता कब हो रहा है। पेट्रोल जब हमारी उम्र के थे तब 35 रुपए पेट्रोल का रेट था, 30-35 रुपए पेट्रोल का रेट था। जब मेरे पास गाड़ी आई तब 45 रुपए था। हम लोग पास जब था 30 रुपए भी नहीं होते थे उस टाइम पेट्रोल डलाने के लिए, आज 100 रुपए भी, 100 रुपए में भी हम लोग 1 लीटर डलवा लेते हैं पता है, समझ रहे। तो गाइस फिलहाल हो गया सारा सीन ख़त्म, अब जा रहे हैं घर चलते हैं और उसके बाद काम करते हैं जो काम है हमारा। बाकी नरेंद्र भी गया हुआ है रायपुर। तो गाइस हो गया, इनको गुपचुप लेना था। हाँ मेला खत्म, इनको गुपचुप लेना था तो रोक दिया मैं, क्योंकि मैं तो झाड़ी सर और मैं तो चले गए थे हम लोग। अरे बात आना क्या है, अब मतलब आदमी क्या कर रहा है सब बताएगा, आदमी आके घर में खाया भी तो भी बताएगा। वाह अरे चलो आई नो। तो फाइनली घर आ गए, अब ना एक प्रैंक करते हैं नैना के साथ, देखो प्रैंक करते हैं प्रैंक। मेरे ससुराल से एक बोरी सोना भेजे थे, वो सोना का रखूँ कहाँ है, इसीलिए आज मेरे को बहुत वेट करना पड़ा है। सोना कहाँ रखूँ मैं, सोना होता तो ये अभी तक यहाँ मेरे हाथ में नहीं होता, ये इतना तो गारंटी है। मेरे घर से आया है, मेरा है, रख दो इधर चुपचाप। तो बस ऐसा कुछ सुनता और कोई रिएक्शन नहीं है, मजा नहीं है। ठीक है अभी घर आ गए, अब खाना वाना बनाएंगे। बाकी ठीक है यार, आप लोग काफी प्यार दे रहे हो, कमेंट मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट ना, मतलब सच भी बता रहा हूँ मजा आ जाता है आप लोग कमेंट पढ़ के। और आप लोग ऐसा कमेंट लिखते हैं ना कि मतलब मैं आप लोगों के लिए कम से कम डेली ब्लॉग तो करता हूँ, ये मतलब मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। भाई भाई का अपने कमेंट आया था, वो भाई बता रहा हूँ रियल में इतना मतलब कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मेरे को। जब भी मैं थोड़ा सा नर्वस टाइप का फील करता हूँ तो उनका कमेंट आ जाता है। तो ठीक है गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है करना कुछ नहीं है, पैसा लाइक कर कमेंट और अगर चैनल नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।